बट गर्दन ऊपर ही रहती है इसकी, नीचे भी करता है। क्या सवाल कर रहे हैं। मैंने पहली बार ऊंट देखा है सामने से। रजवाड़ी चाय साड़ी बेडशीट कुर्ती सिगरेट बता दिया है। यही तो लाइफ हमारी लाइफ का पूल है। धागा खोल देने का। अगर सही में लिटरली मेरे को यही लगता है मेरे पेरेंट्स मेरा देखते करते हैं मेरे काम से स्पेशली जो गांव से आते हैं लोग वो अगर किसी भी तरीके में इंस्पायर होके कुछ अलग प्रोफेशन चूज करते हैं सरकारी नौकरी तो मैं तो अपना वो सक्सेसफुल मानता हूँ। तो एक तो यही हो गया इसका बस अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। मजे मजे। ये पन थोड़ा आउटसाइड एरिया में है क्या? हाँ ये लखनऊ से थोड़ा हटके आउटर रिंग रोड है। सदर इमाम बाड़ा आपको जो टावर दिख रहा है ना वहाँ जाना है। वहाँ पे जाना है। ये आउटर रिंग रोड है वो बता रहे ना वहाँ दोनों के बातें डाल दूंगा ये कौन सी जगह है ये क्या है। तो गाइस देखो गोमती नदी के ऊपर से गाड़ी जा रही है नहर सिटी यहाँ कौन सी सिटी बसेगी ग्रीन कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर में देख रहे हैं। ये मछली मछली है यहाँ पे अभी एक साल पहले की बात है पूरे लखनऊ का कूड़ा यहाँ डंप होता था। अच्छा अब यहाँ पे बताना है ये सब कूड़ा हटा दिया सब बाहर कर दिया यहाँ बता नहीं सकता कोई कूड़ा पड़ता था पूरा लखनऊ का कूड़ा यही ढेर होता था और हमेशा 12 महीने वो जलता रहता था कूड़ा मतलब इतना यहाँ प्रदूषण था। अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये भी आउटर रिंग रोड ने अपना ये सीधे वही निकलेगी इमामबाड़ा कितना ऐसे शहर में आ जाओ तो मजे ही मजे। वो किसकी मूर्ति है चौधरी चरण सिंह मॉडर्न सिटी बना रहे हैं लेकिन हम ग्रामीण पर ये साथ में थोड़े लिए अलग से बना रखा काट रखा है तुम रहन दो पता है ऐसे ही गुड़गांव में भैया ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बड़ी सिटी बता दी थे एक दो लोगों ने अपनी खेत इतनी बोचे कि हम तो नहीं देंगे उन्होंने ऐसे भैंस पाल रखी है और वो भैंस इधर उधर घूमती रहती है लेकिन आखिर में उनको देना पड़ेगा नहीं तो उनको ऐसे नहीं गवर्नमेंट ने नहीं लिया है वहाँ बाकी बिल्डर्स वगैरह ने बनाया प्राइवेट गोमती नदी कह रही है नहर निकाली है जमीन है तो प्राइवेट वाला नदी गोमती नदी है नहीं बोलते भाई 2 करोड़ नहर है नदी है बीच से निकाली होगी भाई उल्टा चलता निकाली होगी कहीं मतलब वही है ना जो जा रही सीधा उधर से पता नहीं यही है नदी नदी का ये बीच में से या नहर की इधर तो मान लीजिए लखनऊ का थोड़ा हटके है बाहरी वाला एरिया तो इधर गोमती थोड़ा नदी है घास फूस है अंदर आप बढ़ेंगे सिटी में वहाँ गोमती रिवर फ्रंट बना हुआ है गोमती पार्क ले देगी हम पीछे जा रहे हैं सही बोल ले दी थी अंदर अगर भैंस देगा भाई भैंस नहीं उधर तबेले हैं पूरे देखो देख पूरे लाइनों में है तबेले गोबर ओबर अब
ये तो बात हुई है, इनको नोटिस तो दे दिया गया होगा ना, नोटिस तो बहुत पहले दे गए थे। क्या आती होगी कॉम्प्लिकेशन, ये है कि जब तक ये इधर डेवलपमेंट हो नहीं रहा तब तक अपना चला रहे थे। मैं बोलूँ भैया कॉम्प्टी भर के आती होगी तब तो वो भी इसमें मुआवजा उन लोगों को मिलेगा जिनके कागज है जमीन के। नदी तो बढ़ती होगी तो वैसे डूब जाते होंगे। मैं वही बोलूँ नदी आती होगी, इतनी तगड़ी आती नहीं होगी, है ना। अरे अभी कोई पेड़ दिख रहा है पानी में भी, उसमें भी ना छोड़ा बच्चे वापिस कर लेगा। वो भैया जो लखनऊ का ग्राउंड किधर की साइड है, क्रिकेट ग्राउंड है वो लखनऊ के बाहर है। अच्छा वो क्या है सामने, वो ये घंटाघर। हम लखनऊ के इस कोने पे है और जो आप अंदर के स्टेडियम है लखनऊ के उस कोने पे, पूरा लखनऊ क्रॉस करते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़े का वो रूमी दरवाजे से बोलते, रूमी गेट, रूमी गेट मेरा रास्ता ही इधर ही था लेकिन अभी काम चल रहा है ना तो बंद कर दिया है। गदर पहली वाली या दूसरी वाली, असली गदर तो इसी में थी। रिक्शा चलाता वो ब्रिज दिखाए हैं वो यही पे है वो ब्रिज, इसको पाकिस्तान का दिखाया था। लखनऊ को पाकिस्तान को भाई पहले वाले रिक्शा कितनी गजब फोटो आती है। पहुंच गए हम बड़ा इमाम बाड़ा, अभी जाते हैं अंदर देखते हैं। ये कंधे में सामान, बैग सामान, सामान गेट पे जमा कर देंगे जो करते हैं। हाँ तुम जमा करते बनाने रहे रखने। बड़ा कैमरे में नहीं कर सकते, फोन आना है वीडियो धार्मिक लेने कुछ लोगों ने अश्लील वीडियो कैमरे अंदर वीडियो बनाना है अलाउड नहीं है तो अब हम कहीं और जा रहे हैं, बाहर से देखते हैं वो अंदर नहीं बना दे रहे हैं वीडियो, देखते हैं कहीं और जाके। अब भाई आ गए हम बड़ा इमाम बाड़ा घूम के, वहाँ फोटो वीडियो वगैरह तो बनाने नहीं दिए पर अब हम कहाँ जा रहे हैं, बैग का ध्यान है सब। ये देखो बैग, तीन गेट दिख रहे हो नीचे में, एक दो तीन चार मंजिल देख रहे हो, जब यही गेट को उस पार से देखोगे तो एक मंजिल एक दरवाजा दिखाई देगा। गदर मूवी देखी होगी आप, गदर मूवी में इसी को लाहौर गेट बनाया पाकिस्तान का। ये लखनऊ भाई सामान लेके घूम रहे हैं सब इधर हम। कोई प्यारा व्यू आ रहा है यार, बेहतरीन व्यू आ रहे हैं यहाँ पे। वो एक वहां से आ रहे हैं वो
गन्ने का जूस पीने के लिए रुके यहाँ पे। गदर मूवी में लाहौर गेट बना था जो है मेरे पीछे, रूमी दरवाजा, रूमी गेट मेरे पीछे तो ऊंट है। ऊंट नहीं दिख रहा है मेरे पीछे, दिख रहा है ऊंट तो ये है। ऊंट भी नहीं देखा होगा भाई, मैंने पहली बार ऊंट देखे सामने से। भाई देखो इतना बड़ा होते हैं चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं। ओए भाई इसकी गर्दन नीचे नहीं होती क्या? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऊंट गर्दन ऊपर ही रहती है इसकी, नीचे भी करता है। क्या सवाल कर रहे हैं नीचे वो देखो ना, जब से देख रहा हूँ तब से ऊपर ही है। जाओ उसके नीचे जाओ जाके वो करेगा। मेरे को डर लग जाओ जब माँ में मेरे से कितना बड़ा है वो, सीढ़ी सीढ़ी लगा के तो उस पर चढ़ना पड़ रहा है। सब तो घूमने जगह है, ऊंट की सवारी। इस गेट को तो डिजाइन देख रहे बना हुआ है, इसमें तीन चीजों का डिजाइन बना हुआ है। एक चीज खाने में यूज होती है उसका डिजाइन बना, दो चीज पहनने में यूज होती है उसका डिजाइन बना। खाने में क्या है जो ऊपर किनारे किनारे फूल दिखाई दे रहा है, ये लॉन का डिजाइन बना हुआ है जो पान मसाला हर चीज निकाल के खाई जाता है। इस गेट का फोटो खींच के जब डिजाइन में आप उल्टा करके देखेंगे बीच में तो ये चिकनकारी गले का डिजाइन बन जाता है। लेडीज सूट का कुछ करें और नेकलेस में इसी गेट का नौलखा हार तैयार होता है जो किनारे किनारे पत्तों का डिजाइन बना हुआ है, ये नौलखे हार है। लाख टावर, हाँ उसके बाद दिखाएंगे शाही तालाब, फिर दिखाएंगे सतखंडा, फिर यहाँ का दिखाएंगे लखनऊ चिकन फैक्ट्री। ये सारा घुमा के आप लोगों को जाना कहाँ ये बताइए, फिर हम ऐसी जगह छोड़ें जहाँ से आपको साधन मिले। तो भेजिए ना चौक से आपको मिल जाएगा। ठीक है शुरू करिए, वो फुटेज ले लें दुबई से। अभी भी अभी भी चलिए चलिए मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है, रात को जब लाइट जलेंगी तब इतना तगड़ा आएगा। लाख टावर घंटा का इसकी ऊंचाई जो है वो 200 फीट नाम से पंछी लगा हुआ है, ये हवा की दिशा बताता है किधर से हवा। ये 1881 में ब्रिटिश लोगों ने बनवाया था, रेफरेट अंडर करना लॉन्ग स्पॉट में, और जब से बना है ना इसमें कोई पेंटिंग हुआ है ना कुछ हुआ है, वैसे रॉयल। ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे लंदन का है जो बिग बैंग के नाम से जाना जाता है और बिग कॉफी। बाकी घंटाघर आपको शहर में मिलेगा मगर ऐसा नहीं मिलेगा, जो सामने दिखा हुआ है सब देख लीजिए। बल चाय लेने जा रहे हैं भाई, अब चाय पी जाएगी। हाँ चलो फिर मिलते हैं हम। कौन सी चाय बताया भैया? रजवाड़ी चाय। रजवाड़ी चाय फेमस है यहाँ की ये? हाँ और तंदूरी चाय है, बिरयानी चाय है, और कश्मीरी चाय है, यहाँ बहुत चाय है। आपको कौन सी अच्छी लगती है सबसे? हम तो ज्यादातर ये रजवाड़ी चाय। भाई सामान तो एक छोटा मोटा पिकअप तो भरी जाएगा, इतना सामान लेके घूम रहे हम। चाय हाँ मेरा अमित चंदू लॉग देखना ठीक है। आपका इरशाद 156 क्या कहा सही से बताओ? इरशाद 156 56 सही है सही है। हाँ हाँ रजवाड़ी चाय
क्लॉक टावर। चाय का मजा लिया जा रहा है। चाय बहुत सही है भाई, रजवाड़ी चाय है। ये भी मैं देखना चाह रहा था लाइट जलेगी जब इधर की पूरी, तो कितना तगड़ा दिखेगा ये। दिल्ली से ज्यादा साफ दिख रहे हैं ना यहाँ। दिल्ली से ज्यादा साफ। फोटोग्राफर बढ़िया आ रहा है तेरे कैमरे में। कैमरामैन ऋतिक के साथ ग्राउंड फ्लोर पर। इधर का देखो कितना तगड़ा आ जाए। इधर देखो, इधर देखो, इधर ये देखो, पीछे करो, कितनी मस्त कलर से भाई। आपका तो कैमरा है भी, आपको ऐसा देखने की आदत नहीं है। रजवाड़ी कुल्लड़ चाय 15 रुपए, कॉफी 15 रुपए, काला 15 रुपए, ग्रीन टी 20 रुपए। चलो क्लॉक टावर से निकल गए हैं, अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे पता नहीं। देखो सब ठंडा। ओ भाई